लेकिन रोज हम कह रहे हैं उनके यहाँ प्रसाद से हम कह के आप आइएगा, ये लोग हम उनको बोले थे जल्दी होगा, नहीं जल्दी करा दें, आज इसी हम कह रहे हैं जल्दी बोल दीजिए सर, दो महीना में हम यहाँ से उद्घाटन करा देंगे नवंबर तक, हम उनको बोले हुए उनको फिर न कहेंगे कि आए यहाँ सर, बोल दिया जाए हमारा आ गया है पत्थरपुरा आ गया है, जैसा कहे जैसा पिछले बार सब आ गया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि काम जल्द से जल्द पूरा हो। आज वो वैशाली पहुंचे थे, हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे वैशाली, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कई आला अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। वैशाली में जो बुद्ध स्मृति स्तूप बन रहा है वो कितना भव्य बन रहा है वो आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे होंगे। नीतीश कुमार पहुंचे हैं बुद्ध स्मृति स्तूप देखने के लिए, वहाँ पर एक बुद्ध संग्रहालय भी बन रहा है, भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई तमाम जो जानकारियाँ होंगी वो संग्रहालय में मिलेंगी, और दलाई लामा को बुलाना है ये तैयारी है। दलाई लामा आएंगे, उसका शुभारंभ करेंगे। बुद्ध स्मृति स्तूप जो है वो वैशाली में बनकर तैयार हो ही चुका है, दो महीने का और काम बच गया है। नीतीश कुमार कह रहे हैं, देखिए भवन निर्माण विभाग के सचिव हैं कुमार रवि, वो वहाँ मौजूद हैं, वो पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कुछ काम हुआ है, कितना काम बाकी है, और दो महीने में ये काम पूरा हो जाएगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं जल्दी से जल्दी काम कीजिए, लेकिन नीतीश कुमार हर तरफ जो काम चल रहा है उसे कह रहे हैं जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए, चाहे पटना का वो मरीन ड्राइव हो जिसे दीदारगंज तक जोड़ा जाना है वो भी इसी साल बनकर तैयार होगा, इसके अलावा पटना में जो डबल डेकर का लेन तैयार हो रहा है वो भी इसी साल बनकर तैयार होगा, इसके अलावा पटना मेट्रो का काम चल रहा है वो भी बनकर तैयार होगा, तो कई सारे जो अधूरे काम हैं ऐसे ही वैशाली में बुद्ध स्मृति स्तूप जो है वो बनकर तैयार हो जाए जल्द से जल्द, ये नीतीश कुमार की इच्छा है, क्योंकि नीतीश कुमार की USP रही है उनका काम बोलता है। नीतीश कुमार कम बोलते हैं, उनका काम बोलता है। नीतीश कुमार बिहार की तस्वीर बदलने में जुड़ चुके हैं, पहले भी उन्होंने बहुत काम किया और अब नीतीश कुमार का काम दिख रहा है। नीतीश कुमार क्या कुछ कर रहे थे अपने अधिकारियों से वो आपको सुनवाते हैं। ये अंदर में हॉल जो बीच में जो क्रेन हटेगा ना सर, अभी नीचे का दिखाते हैं, वो वाला सर जो बोल रहे हैं ऊपर में रहेगा सर, ये इस तरह का नीचे में इस तरह का आएगा सर, ये हॉल जो है सब बैठ के ध्यान करेंगे सर, तो उनकी मूर्ति वही रहेगी। हाँ, एक मूर्ति यहाँ पर रहेगी सर, लेकिन मेन जो रहेगा जो दलाई लामा जी से कराना है सर, ऊपर में जो अस्थि अवशेष है वो ऊपर में लगेंगे सर। तो हम करके आप बोलिए ना, रोज हम कह रहे हैं उनके यहाँ प्रसाद से हम कह के आप आइएगा, ये लोग हम उनको बोले थे जल्दी होगा, नहीं जल्दी करा दीजिए, आज इसी हम कह रहे हैं जल्दी बोल दीजिए सर, दो महीना में हम यहाँ से उद्घाटन करा देंगे नवंबर तक, हम उनको बोले हुए उनको फिर न कहेंगे कि आए यहाँ सर, बोल दिया जाए हमारा आ गया है पत्थरपुरा आ गया है, पत्थर सर जैसा कहे जैसा पिछले बार सब आ गया, सब हम लोग मंगवा निकल जाएंगे, लोड सपोर्ट के लिए दिया है ऊपर से लोड जो तो नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों से क्या कुछ कहा हमने आपको इस वीडियो में सुनवाया है। नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे वैशाली और क्या कुछ उन्होंने कहा है, दिशा निर्देश दिए हैं, फिर बैठक भी की है अधिकारियों के साथ, वो हमने आपको इस वीडियो में दिखाया है, घूम घूम कर निरीक्षण भी किया है वो भी आपको हमने इस वीडियो में दिखाया है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, धन्यवाद।